गैदरिंग पूरा होने वाला है दोस्त, आज का सेशन में जो आज आपको बताया जाएगा ना, यकीन मानिए आज ये समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, सर क्या बता रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर सर के बताए हुए रोड मैप को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर उनकी बातों को मानकर अगर आप एक्शन में आते हैं, क्योंकि आप सभी एक्शन टेकर हैं, अगर एक्शन में आते हैं यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और अपने नाम के पीछे सीआर लगा सकते हैं। ये पावर, ये अगर अथॉरिटी मिलता है तो एक ही प्लेटफॉर्म दोस्त, वेब फोर्सेस। और आप आज मीटिंग का इतिहास बनने वाले हैं कि आपका सपना आज पूरा होगा। तो दोस्त, समय को हम चाहते हैं 1 CR 1000, हमारा हाउसफुल हो गया है, मीटिंग लॉक हो चुका है और हमारे बीच में दोस्त 192 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्टेटस लगा चुके हैं और इस टास्क को पूरा कर चुके हैं। तो दोस्त, हम चाहते हैं ये संख्या मिनिमम 500 प्लस हो जो अपना स्टेटस लगा चुके हैं, क्योंकि दोस्त हम सभी लोग एक्शन टेकर हैं। जब तक आप छोटा छोटा एक्शन को नहीं लेंगे तो दोस्त आप अपने जो आपके जो ड्रीम है 1 CR वो आप पूरा कैसे करेंगे। कहते हैं दोस्त, हजारों मील की शुरुआत पहली कदम से होती है और हम सभी लोगों ने शुरुआत कर चुके हैं। क्या दोस्त? हम सभी लोगों ने शुरुआत कर चुके हैं 1 CR के लिए। तो दोस्त, सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, इनवाइट करने जाएंगे। इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि सेशन को स्टार्ट करने के पहले कितने ऐसे बिजनेस पार्टनर हैं जो कि आज के जो हमारे ट्रेनर हैं दोस्त, उसको सुनने के लिए तैयार है। बताना चाहेंगे दोस्त, एक ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी आने वाले हैं जो किंग नहीं, क्या माय डियर फ्रेंड्स, किंग नहीं, किंग मेकर है। कहते हैं फ्रेंड्स, वो राजा नहीं है, वो राजा बनाते हैं। वो एक ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी माय डियर फ्रेंड्स जो कि करोड़पति का उनका माइंडसेट है दोस्त, कि हम करोड़पति का खेती करें। जिस तरह हम खेत में फसल लगाते हैं ना दोस्त, धान गेहूं चावल, अगर वो उपजता है तो सर का प्लानिंग है आज का ट्रेनिंग सेशन से कि हम करोड़पति बनाए। तो दोस्त, ऐसे किंग मेकर को स्टार्ट कर बुलाने हम जा रहे हैं जो किंग नहीं, किंग मेकर है। ननदन कोई और नहीं, हमारे हरदी लजीज, हमारी चेहते, हम सभी का डायनेमिक पर्सनालिटी। तो दोस्त, शख्स को इनवाइट करने के पहले हमारे पास वो क्षमता नहीं है, उनको इनवाइट करें। दोस्त, हम चाहेंगे सभी लोग हैंड रेज के साथ, हट का इमोजी के साथ सर का वेलकम करें, मिस्टर रामदेव सर। हम चाहेंगे हैंड रेज 500 प्लस का दोस्त, कभी सर आएंगे 500 प्लस का हैंड रेज होना चाहिए दोस्त, तभी हम सर को इनवाइट करेंगे आज के हमारे किंग मेकर है। ये हैंड रेज नहीं रुकना चाहिए माय डियर फ्रेंड, लगभग 300 पार हो चुका है, 500 5000, क्योंकि दोस्त आप एक्शन टेकर, दिखाइए कि हम सर यस पक्का कंप्लीट करने के लिए हम इस सेशन में, और हम भी सर किंग बनना चाहते हैं क्योंकि किंग मेकर आने वाले माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, ये हमारा आंकड़ा 400 से पार हो चुका है, 420 पार हो चुका है दोस्त, 500। आप ऐसे लोग हैं जो अपने सपने को पूरा करने तैयार हैं दोस्त, 500 पार करेगा तभी सर को इनवाइट करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एक्शन टेकर हैं, आप खड़े उतरे हैं, तो इनवाइट करने जा रहे हैं आज के जो हमारे ट्रेनर हैं, हमारे किंग मेकर ननदर कोई और नहीं, हमारे हरदली मिस्टर रामदेव सर, स्वागत है सर, ओवर टू यू, कंटिन्यू, वेलकम सर आपका। जी थैंक यू सो मच मिस्टर रमेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई जबरदस्त कमाल की आपकी होस्टिंग, एंड जितने भी हमारे यहाँ पे साथी है सबका आज के इस वेबिनार में तहे दिल से स्वागत। बिल्कुल, आप लोग कंफर्ट में आके बैठ जाइए, आराम से होके बैठ जाइए, और इस सेशन को आप लोगों ने आखिरी तक सुनना है, क्योंकि करोड़पति बनना है तो करोड़पति बन कैसे सकते हैं, उस प्लानिंग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड 4 साल के अंदर करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं, ठीक है? कितने लोगों को लगता है कि यस कमाए जा सकते हैं? सबसे पहली तो बात यही है, कितने लोगों को ये चीज लगती है कि हाँ जी कमाए जा सकते हैं, हम ये चीज का विश्वास करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं, जिनको लगता है कि 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं, और वो भी 1 साल में। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 1 CR अर्न करने के लिए आपको बहुत ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए,
ऑलरेडी मैं आपको प्लानिंग दे चुका हूँ, कुछ लोगों को शायद पहली बार ये प्लानिंग सुनने को मिलेगी, बट उसी प्लानिंग को थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग समझेंगे, क्योंकि जो प्लानिंग है उसको एक बार नहीं कई बार देखना होता है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं काफी लोगों के यहाँ पे हैंडेस देख रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग प्रॉपर तरीके से सुनिएगा। एंड मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करूंगा, एंड उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कितने सारे लोगों को X3 और X4 का वर्किंग पता है, कैसे इनकम होती है X3 और X4 से, क्योंकि एक बार मुझे थोड़ा सा आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितने सारे लोगों को X3 और X4 से कैसे इनकम होती है ये पता है। 100% हैंड रेज करिएगा जिनको पता है, जिनको नहीं पता है विद इन ओनली 5 मिनट मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप लोगों को X3 से इनकम होती है और किस प्रकार से X4 में इनकम होती है। अगर 50% लोगों को नहीं पता तो ही बताऊंगा, अदरवाइज हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम टाइम की कीमत समझते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे 4 प्रोग्राम्स है X4 में, X3 एंड X4। एंड एक बहुत ही बड़ी खुश खबरी आप लोगों के लिए, गुड न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है कि बहुत जल्दी एक पांचवा मैट्रिक्स भी 4 साल में एड ऑन होगा, बहुत जल्दी लॉन्च होगा, उसकी भी हम आपको बहुत जल्दी डिटेल देंगे, है ना। तो पहले हम समझते हैं X3 और X4 में आप लोगों को किस प्रकार से इनकम होती है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड मैं एक वेबसाइट पे 4 साल की वेबसाइट पे जाता हूँ। यह आपका प्रोग्राम X3 है और यह आपका प्रोग्राम X4 है। अब दोस्तों X3 में अगर आप लोग देखते हो तो हर एक लेवल में 3 पोजीशंस है, यहाँ पे 3-3 पोजीशंस है। 3 पोजीशन में से पहली 2 पोजीशन का पैसा 100% आपको आता है और तीसरी से आपका लेवल रिसाइकल हो जाता है और ये सिस्टम चलता ही रहता है बार बार, अगेन एंड अगेन आपको पहली 2 पोजीशन से इनकम और तीसरी से रिसाइकल, फिर आपको चौथी पांचवी से इनकम और छठी से फिर रिसाइकल, फिर आपको सातवीं आठवीं से इनकम और नौवीं से रिसाइकलिंग। एक लेवल से आपको बार बार अगेन एंड अगेन इनकम होती है X3 के अंदर। और अगर मैं X4 की बात करूं तो दोस्तों X4 में कितने पोजिशन है, हर एक लेवल में 6 पोजिशन है, 6 में से इन 3 पोजीशन से आपको 100% इनकम आती है। 100% किसका, लेवल का 100%, और ये भी बार बार रिसाइकलिंग होता है, बार बार आपको यहाँ पे भी अर्निंग होती है, इनकम होती है। बस बहुत सिंपल है, इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी किसी भी मेंबर को ज्वाइन करवाते हो तो वो आपके X3 प्रोग्राम में भी होता है, वो आपके X4 में भी होता है, और वो जब अपने लेवल्स को एक्टिवेट करेगा तो वो आपके साथ साथ में चलता रहेगा। एक बंदा आपके 12वें लेवल तक भी रहेगा X3 में, X4 में भी, और एक बंदे से आपको एक बार नहीं बार बार अगेन एंड अगेन इनकम होती है। कैसे, जब किसी भी मेंबर का, आपके डायरेक्ट में जो भी मेंबर होगा, XYZ मान लीजिए आपके डायरेक्ट में कोई भी एक मेंबर है, तो वो जब अपने लेवल को रिसाइकल करेगा तो वो आपके साथ में आके प्लेस होगा और उससे आपको बार बार अगेन एंड अगेन इनकम होगी। कैसे, मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पहली एंड दूसरी पोजीशन से उसको खुद को इनकम होगी एंड तीसरी पोजीशन से इनकम जो होगी वो अपलाइन में जाएगी। गाइस जस्ट 1 मिनट, चलो बाहर चलो। ओके, तो आपको X3 एंड X4 से किसी भी मेंबर से अगेन एंड अगेन बार बार इनकम होती रहती है। किसी भी एक सिंगल मेंबर का भी अगर मैं बात करूं तो वो अगर काम करता है, जब उसका लेवल रिसाइकल होता है, उसकी प्लेसिंग आपके साथ में बार बार अगेन एंड अगेन होती रहती है। और आपकी कौन सी पोजीशन में वो आके बैठा, पहली एंड दूसरी में अगर X3 में बैठा तो आपको उससे इनकम आएगी, वही मेंबर आपके तीसरी पोजीशन में आके बैठा तो X3 का रिसाइकल होगा, उसी प्रकार से X4 में भी आप समझ सकते हो। अब मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लेके आप लोगों को चलता हूं। अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है, अगर 1 करोड़ रुपए आपको कमाना है तो आपके डायरेक्ट में कम से कम 30 ऐसे लोग होने चाहिए जो 5-5 लेवल्स तक आ जाए। अब ये कितने टाइम में आप इनको लेके आ सकते हो, पहले तो माइंडसेट ये कर लीजिए, अगर किसी को भी आप प्लानिंग दोगे ना 1 करोड़ रुपए कमाने की, तो कुछ ना कुछ तो लोग आपके साथ में आ ही सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, अगर आपको 30 लोगों को ज्वाइन करवाना है तो मेरा एक रेशियो निकाला हुआ है कि 1500 लोगों तक पहुंचना होगा। 1500 लोगों तक जब आप पहुंचोगे, किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया, महेंद्र मौर्या साहब प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखें, ठीक है।
तो आपको अगर 30 लोगों को ज्वाइन करवाना तो 1500 लोगों तक पहुंचना होगा, बट करोड़ रुपए की प्लानिंग है इसलिए 1500 लोगों तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपको बहुत कम उसका रिवॉर्ड मिलेगा। 1 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड अगर आपको मिल रहा है तो 1500 लोगों तक पहुंचना होगा। 1500 लोगों तक आप महीने में पहुंच सकते हो, 25 दिन में पहुंच सकते हो। अगर पर डे 50 कॉल्स भी करते हो ना, महीने में 1500 कॉल्स होती है और 30 लोग तो 101% आ जाएंगे अगर शिद्दत से काम करो। अब ये जो 30% है ना, ये आपके X3 में 5-5 लेवल्स तक होने चाहिए और X4 में भी 5-5 लेवल्स तक होने चाहिए। इनके अलावा चाहे आपके डायरेक्ट में 150 लोग भी क्यों ना हो, उनको मत गिनिए। केवल और केवल 30 लोग ऐसे रखिए जो आपके X3 में 5 लेवल्स तक हो और X4 में भी 5 लेवल्स तक। अब देखो समझना आपको क्या है कि X3 में इन 30 में से 20 लोगों से आपको इनकम होगी और 10 का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर अप्लायंस में जाएगा। आपको इन 20 लोगों से कितनी इनकम होगी, पहले लेवल से 5 BUSD, फिर 10 BUSD, 20 BUSD, 40 BUSD, 80 BUSD, टोटल 155 BUSD, टोटल 3100 BUSD की इनकम। इंडियन करेंसी में देखोगे 270,000 रुपए प्लस की इनकम आपको इन 20 लोगों से होने वाली है, राइट। X4 की अगर मैं बात करूं तो X4 में 15 लोगों से आपको इनकम होगी 155 BUSD के हिसाब से, जस्ट वेट अ सेकंड, आपको 2325 BUSD, यानी टोटल आपको 200,000 प्लस की अर्निंग, यानी 200,000 प्लस और 270,000 टोटल आपकी X4 से इनकम 470,000 रुपए, यानी 4.5 लाख रुपए के आसपास की आपकी अर्निंग होने वाली है। जस्ट 30 लोगों को आप X4 में लेके आ जाइए 5-5 लेवल तक। अब दोस्तों एक चीज समझिएगा आप लोग, आपकी ये जो अर्निंग मैंने बताई है 4.5 लाख रुपए प्लस, ये केवल आपकी सेल्फ अर्निंग होगी। आपके जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं उनसे आपको इनकम आई है, और फोर्सेज में क्या है कि आपका टीम वर्क से भी आपको इनकम आती है, यानी आपके डायरेक्ट मेंबर्स उनके डायरेक्ट जब काम करते हैं तो भी आपको इनकम आती है, आपके अप्लायंस काम करते तो भी आपको इनकम आती है, आपके क्रॉस लाइंस काम करते तब भी आपको इनकम आती है। और ये जो मैंने इनकम बताई है आप ही के पर्सनल डायरेक्ट से आपको अर्निंग हो रही है, ये मैंने बताई है। अब कैलकुलेट करते हैं कि ये 30 लोग जो है, इन 30 लोगों को आप प्लानिंग देते हो कि भाई साहब 1 करोड़ रुपए कमाने, डेफिनेटली सब बोलेंगे हाँ जी कमाने। इनको प्लानिंग दोगे डेफिनेटली सब लोग प्लानिंग भी ले लेंगे और शुरुआत में सब लोग काम भी करेंगे। 1, 2, 4, 5 दिन तो 50 लोगों को नहीं 60 लोगों को अभी कॉल करने का बोल दीजिए करेंगे, ये गिव अप कर देंगे या तो 5 दिन के बाद में, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन के बाद में। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% लोग गिव अप कर देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि 100% लोग आपकी बातों को फॉलो करेंगे। मतलब मान के चलिए 50% लोग भी अगर आपकी बातों को फॉलो करते तो 15 लीडर्स आपके साथ में ऐसे हैं जो आपकी तरह कम से कम 30 लोगों को 5-5 सिलेबस तक लेके आ जाएंगे, कम से कम 30 लोगों को 5-5 सिलेबस तक लेके आ जाएंगे। तो उनके काम करने से आपको X3 से भी इनकम आएगी। आपके ये टोटल 15 लोग अगर 30 लोगों को 5-5 सिलेबस तक लेके आते हैं तो टोटल 450 लोगों को लेके आ जाते हैं। इनके 450 में से हर तीसरे मेंबर से इनकम ऊपर अप्लायंस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इनके अप्लायंस में आप भी हो। मतलब ये 15 लोग आपके साथ में रिसाइकलिंग होके 150 बार प्लेस होंगे, ठीक है, 150 बार आपके साथ में प्लेसिंग होगी इनकी, और इनमें से 50 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर अप्लायंस में चला जाएगा आपके अप्लायंस में, और 100 लोगों से आपको अर्निंग आ जाएगी 155 BUSD के हिसाब से, 15,500 BUSD की। कितनी? 15,500 BUSD का इंडियन करेंसी में अगर हम लोग समझे तो 13,95,000 रुपए की आपको इनकम हो रही है इन 15 लोगों के काम करने से। और ये केवल X3 की मैं बात कर रहा हूँ, X4 को अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट। इंडियन करेंसी में 13,95,000, पहले कितना कमाया आपने? 4,50,000 रुपए प्लस, यानी आपकी 18 लाख रुपए प्लस की अर्निंग आपने कर ली है जस्ट X3 एंड X4 से, खुद के काम से और X3 के 15 लोगों के काम से, ठीक है। अब X4 में भी जो 15 लोग हैं वो 30 लोगों को 5-5 लेवल तक लेके आते हैं, 450 लोगों को लेके आते हैं, इनमें से 50% का डिस्ट्रीब्यूशन तो उन्हीं को हो जाता है खुद को ही, ठीक है। बाकी बचे 225, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम अप्लायंस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कई बार क्रॉस लाइन में भी चला जाता है, कई बार इन्हीं की टीम में किसी को नॉन वर्किंग में चला जाता है। तो 225 में से मान के चलो 125 लोगों का नॉन वर्किंग में चला गया, 100 लोगों का अर्निंग आपको आया 155 BUSD के हिसाब से, 15,500 BUSD इंडियन करेंसी में समझो तो 13,95,000 रुपए, यानी 13,95,000 रुपए आपको X4 से भी आ गया। केवल 15 लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं किस फॉर्मूले पे? 30 डायरेक्ट वाले फॉर्मूले पे, और कोई ज्यादा यहाँ पे बड़ा कोई ज्वाइनिंग नहीं करवाना है, केवल और केवल 30 लोगों को ज्वाइन करवाना है। कितने टाइम में करवा सकते हैं आपके लोग?
आप कितने टाइम में करवा सकते हो? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर शिद्दत से काम करना स्टार्ट करो अगले 30 दिन में आपके 30 लोग आ सकते हैं। तो 30 लोगों को आप अगले 30 दिन में ज्वाइन करवा दो। अगर आज जिस बंदे को ज्वाइन करवा रहे हो ना, उस बंदे को बोल दो भाई साहब आज से ही लग जाए, वो कल से लग जाए। मान लेते 15 दिन के बाद में काम करना वो स्टार्ट करता है, जो कल ज्वाइन करेगा वो 16 दिन के बाद में काम करना स्टार्ट करता है, जो परसों ज्वाइन करेगा वो 17 दिन के बाद में। उसी प्रकार से आपका मान लेते 15 दिन के बाद में काम करना स्टार्ट हो गया, तो ये टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 30 प्लस 30, 60, और 60 में से 15 निकाल दीजिए, यानी 45 दिन में आपकी अर्निंग टोटल कितनी हो सकती है? 31 लाख रुपए। कितनी हो सकती है? 31 लाख रुपए 45 दिन में। मैं मान के चलता हूं 45 दिन में नहीं, ये अर्निंग करने में आपने 2 महीने लगा दिए, ये अर्निंग करने में आपने 2 महीने लगा दिए, यानी पर मंथ की इनकम आपकी 15 लाख रुपए प्लस हो रही है। दोस्तों पर डे की अगर मैं इनकम की बात करूं, ऑन एन एवरेज 53,000 रुपए पे आप पहुंच सकते हो, अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से काम करो। 31,95,000 रुपए आप 2 महीने में कमा सकते हो, अगर 30 लोगों को आपने डायरेक्ट कर दिया और 15 लोग भी आपकी बातों को फॉलो करेंगे तो। एंड डेफिनेटली करेंगे, कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि नहीं फॉलो करेंगे, वैसे करोड़पति सब बनना चाहते, पैसा सब कमाना चाहते हैं, और सबको पता है कि बिना मेहनत के 4 साल में कोई सक्सेस नहीं है। डेफिनेटली वो मेहनत करेंगे, और यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है कि पहली बार कोशिश करते ही उसको सक्सेस हासिल हो जाएगी। आप अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट करोगे और उनको थोड़ा सा बताओगे कि जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही है इनसे घबराइए मत, जो लोग आपको मना कर रहे हैं उनसे डिमोटिवेट मत होइए, बस कंसिस्टेंसी के साथ में काम करिए। आपको केवल और केवल 30 लोग चाहिए, और ये अगर मैं बात करूं भारत की 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन वाला देश है, आपके आसपास में देखिए कितने सारे लोग हैं, आपके शहर में देखिए, मोहल्ले में देखिए, आपके गाँव में देखिए, है ना, आप जिस स्टेट से उस स्टेट में करोड़ों लोग हैं भाई साहब, 30 लोग नहीं मिलेंगे इतने से, 101% मिलेंगे। तो उनको सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि खुद पे विश्वास आ जाए कि यस आई कैन डू इट। एंड जितने भी यहाँ पे साथी है ना, शुरुआत में जिनको लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे भी यही लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट आज हुआ है ना, मुझे लगता था कि मेरे को कोई ज्वाइन नहीं करेगा या मेरा यहाँ पे टीम नहीं बनेगा, बट आज 76,000+ लोगों का टीम बन गया। कल परसों 76,000 बोलूंगा मैं, उसके 5-10 दिन बाद मैं 75,000 बोलूंगा, और बहुत जल्दी 1,00,000 लोगों का परिवार बन जाएगा मेरा। मैं भी तो कभी यही सोच रहा था कि मेरा नहीं हो पाएगा यहाँ पे, बट मैंने सोचा कुछ भी हो बट काम करते रहा, एंड एक्शन का रिजल्ट आता है, एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। और अगर आप कुछ भी सोचो, काम अगर दिल से शिद्दत से करते रहोगे, एक दिन खुद पे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आज आप 50 लोगों को कॉल करोगे ना, 45 लोग आपको मना करेंगे, 5 लोग आपको हाँ करेंगे ना, कल आपको फिर से 5 लोग हाँ करेंगे। यही रेशियो निकालोगे ना, तो 15 दिन के अंदर आपको 75 लोग और 30 दिन के अंदर आपको 150 लोग हाँ कर देंगे। 150 में से मान लो 120 लोग आपको नहीं भी ज्वाइन करते, आपके अच्छे फॉलोअप के बावजूद भी, आपके कॉलिंग के बावजूद भी, आपको 30 लोग तो 150 में से ज्वाइन कर सकते हैं ना, 120 ने अगर नहीं भी ज्वाइन किया। अब इन 30 लोगों को आपने 5-5 सिलेबस पे लेके आना है, ठीक है, और अगर इन 30 लोगों को आप सेम प्लानिंग दोगे तो डेफिनेटली कोशिश तो सब करेंगे, और मान के चलते कि 50% लोगों ने भी आपकी बातों को फॉलो किया, तो वो 15 लोग अगर आपकी बातों को फॉलो करके 30 लोगों को ज्वाइन करवाते पर मेंबर, एक्स3 एंड एक्स4 में वो 5-5 सिलेबस तक लेके आ जाते, तो आपकी अर्निंग 31 लाख रुपए हो रही है आपके खुद के काम करने से और आपके 15 लोगों के काम करने से। दैट इज द पावर ऑफ 4 साल्स। अब मुझे बताइए ये 30 लाख रुपए कम है क्या? आपको मैं बता दूं, ये 30 लाख रुपए इंडिया में बहुत सारे लोग पूरे साल में नहीं कमाते। पूरे साल में अगर 2 लाख रुपए पर मंथ का भी कोई अर्न कर रहा है ना किसी जॉब से, तो वो भी 24 लाख रुपए पूरे साल में कमा रहा है। अगर वो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए अगर पर मंथ का अर्न कर रहा है ना, तब जाके पूरे साल में 36 लाख रुपए कमा रहा है, और आप 2 महीने में कमा सकते हो मैक्सिमम, पकड़ के चलो इसको अगर 3 महीने भी आपको लग गए, बट शिद्दत से काम करना होगा, मेहनत से काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने काम किया, 1 घंटे काम कर लिया, उसके बाद में टाइम पास कर रहे हो, नहीं हो पाएगा, है ना। उसके लिए शिद्दत से, मेहनत से, दिल से आपको काम करना पड़ेगा। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है भाई साहब, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। तो आपको डेडिकेशन के साथ में तो काम करना होगा, और सबसे बड़ी चीज माइंडसेट, सबसे बड़ी चीज क्या है? माइंडसेट। अरे खोजो, अगर ढूंढो ना, भगवान भी मिल जाते, 30 लोग मिलना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे देखो 1,000 लोग मुझे मिले ना, इस सेशन के अंदर 1,000 लोग है ना। एक बात मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहला सेशन कभी लिया होगा, आपको क्या लगता है उस दिन 1,000 लोग थे मेरे सेशन में? नहीं थे, 5-6 लोग थे, और वो 5-6 का जो काउंटिंग था वो कई दिनों तक चला।
मेरा सेशन के अंदर 100 लोग भी होने में शायद 6 महीने लग गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में तो इतनी फास्टली रेपिडली ग्रोथ हुई कि आज 1000 लोग है, और मुझे पता है बहुत सारे लोग वेटिंग में भी हैं, मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि सर यूट्यूब पे लाइव करिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ, मेरा व्हाट्सअप काम नहीं कर रहा, ठीक है, मेरा व्हाट्सअप चल नहीं रहा है। काफी लोग शायद परेशान होंगे कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार बता दूं व्हाट्सअप इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है, है ना, पिछले 4 दिन से, बट मैं कंटिन्यूसली लगातार इस पे कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी बंदा मुझे व्हाट्सअप कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है आप लोगों का, अगर व्हाट्सअप पे मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ आपका, इसका मतलब मैं व्हाट्सअप पे नहीं हूँ। हाँ, आपको ऑनलाइन भी दिखा रहा हूँ उधर से, बट आप मुझे कॉल कर लीजिएगा कुछ भी इंपॉर्टेंट काम रहे, आपके पास में मेरे नंबर भी होंगे, अगर नहीं है तो यूट्यूब से जाके ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएंगे, ठीक है, नंबर है तभी तो व्हाट्सअप करोगे, है ना। तो सिंपली मैं क्या बोल रहा था, 30 लोग आपको मिलेंगे, और 30 लोगों के काम करने से 5-5 लेवल तक आने से ये आपकी अर्निंग हो सकती है। अब देखो, यहां तक आने में एफर्ट बहुत लगेंगे, मेहनत बहुत लगेगी, बहुत सारे लोग गिव अप करने की कोशिश भी करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, गिव अप करने को सोचेंगे कि यार चलो छोड़ो, क्योंकि ये जो राह है ना ये आसान नहीं है। पहली बात तो खुद 30 लोगों को ज्वाइन करवाना, और फिर 30 लोगों को प्लानिंग देना, और उसमें से 15 लोगों को ये विश्वास करवाना कि तुम करोड़पति बन सकते हो। साला सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर आप में से किसी को कह दूं ना तुम हीरो लग रहे हो, साला खुद पे डाउट करता है कि मजाक कर रहा हूं मैं, अगर किसी को कह दूं ना अच्छे लग रहे हो तो डाउट कर रहा है कि नहीं 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 मानेगा ही नहीं, है ना। मतलब कुछ भी अगर मैं आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दूं, ज्यादातर तो मैंने यही देखा है, और यही चीज होती है। अगर किसी दोस्त का भी कॉल आता है ना, तो वो ऐसा अगर बोल दे कि अरे अच्छा आजकल तो पहचानता ही नहीं, बहुत बड़ा आदमी बन गया, मतलब ये एक ताने जैसा है कि बड़ा आदमी बन गया, और हम लोग इसको एक ताने के जैसे लेते हैं कि यार ये हम बड़ा आदमी, मैं तो इतना बड़ा हूं नहीं, है ना, इस तरीके से हम लोग रिएक्ट करते हैं। बट सच्चाई है कि आपको बड़ा इंसान ही बनना, बड़ा आदमी बनना, भाई साहब 1 करोड़ रुपए तो कम से कम कमाना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनना है लेकिन 1 करोड़ तक आना है, और ये विश्वास करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम विश्वास नहीं कर पा रहे अपने आप पे, और अपने आप पे जब तक विश्वास नहीं करेंगे ना तब तक ये पॉसिबल होगा नहीं। आज तक देखिए, जिस भी बंदे ने आज इतिहास रचे हैं, जिस भी बंदे ने आज टॉप लेवल को अचीव किया किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी चीज में, वो कभी ना कभी 0 पे था। आज जो कार 100 पे चल रही है ना, वो 0 से ही स्टार्ट हुई थी, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली भाई साहब स्टार्ट करते ही 100 पकड़ गई। ड्राइवर पागल हो जाए जिस दिन आप सपोज डेट आपने कार को स्टार्ट किया और दिख रहे हो रे 100 पे चली गई, भाई साहब खत्म, समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। कितनी भी महंगी कार क्यों ना हो, वो भी 0 से स्टार्ट हुई है, ये चीज आपको समझनी है। तो 3 महीने भी मान लो आपको लगे 31 लाख रुपए कमाने में, अब देखो करना क्या, 4 साल के अंदर आपको लेवल्स आगे की एक्टिवेट करने, और कहां से करोगे, जो आप अर्निंग करोगे यहीं से कुछ ना कुछ यहाँ पे लगाओगे। अगर 31 लाख रुपए आपने कमा लिए यहाँ से, या कमाने का पोटेंशियल रखते हो, तो आप X3 और X4 के 2-2 लेवल्स आगे के बढ़ा लीजिए, यानी 160 USD वाला प्लस 320 USD वाला, 480 USD का टोटल आप X3 में एंड 480 का टोटल X4 में, 960 इंडियन करेंसी में समझोगे 90,000 से भी कम का बन रहा है। ये आपका इन्वेस्टमेंट X3 एंड X4 में है। अगर 31 लाख रुपए कमाए हैं या इन फ्यूचर कमाओगे, कमाने का पोटेंशियल है, तो उसमें से 86,000 या 90,000 रुपए लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। अब जो आपकी ये 15 लोग है ना, ये 15 लोग अगर आगे आएंगे, ठीक है, मैं मान के चलता हूं ये 15 लोग हैं, इनमें भी कुछ लोग लुढ़क गए, ठीक है, और नहीं नहीं 30 में से ही लुढ़क गए थे ना 15, तो 15 तो चल रहे हैं, इतने तो नहीं है यार, 5 तक पहुंचेगा, वो 6 तक भी जाएगा, 7 तक भी जाएगा, तो इन 15 में से आपको 10 लोगों से इनकम आएगी, ठीक है, 5 से नहीं आएगी, कितनी आएगी, 480 USD के हिसाब से 4800 USD टोटल 4.5 लाख रुपए के आसपास, 4,30,000 टोटल, 31 लाख और 4 लाख कितने बन रहे हैं आपके, 35 लाख रुपए प्लस। X4 की अगर मैं बात करूं तो X4 में भी आपको ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है, यानी टोटल आपकी अर्निंग बन रही है 40 लाख रुपए। मान लेते हैं 40 लाख रुपए कमाने में आपने 4 महीने का टाइम लगा दिया, 5 महीने का टाइम लगा दिया, 5 महीने में आप 40 लाख रुपए तक पहुंच गए और 7-7 लेवल तक भी पहुंच गए। आपके 15 जो लोग है ना, वो भी 7-7 लेवल तक पहुंच चुके हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हो, जिनको आप गाइड कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपको ज्यादा भीड़ चलाने की जरूरत नहीं है दोस्त, एक बंदा मिल गया ना उसको अच्छे से सपोर्ट करो,
वेट करो, दूसरा बंदा भी मिलेगा, उसको अच्छे से सपोर्ट करो, फिर वेट करो, तीसरा बंदा भी मिलेगा। वेट करने का मतलब ये नहीं कि खुद से चल के आएगा, आपको ढूंढना है, आपको सर्च करना है, आपको प्रमोशन करना है, वहीं से कुछ लोग आएंगे और वहीं से आपको एक डायमंड मिलेगा, वहीं से आपको एक हीरा मिलेगा या फिर एक कोयला मिलेगा जिसको तराशना और हीरा बनाना है। ठीक है, एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसको खुद पे भी शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो करना अचीवमेंट बड़ा चाहता है, बट आपको ये विश्वास दिलाना होगा उस बंदे को कि अगर तुम मेहनत करोगे जैसा मैं बताऊंगा डेफिनेटली तुम करोड़पति बन जाओगे। मुझे भी एक टाइम पे विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, बट आज हो गया ना। जितने भी लोग जो खुद पे विश्वास नहीं कर रहे ना, विश्वास करना स्टार्ट कर दो। जिस दिन से तुम विश्वास करना स्टार्ट कर दोगे ना खुद पे, उस दिन से तुम्हारी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएंगे। 40 लाख रुपए प्लस की अर्निंग कर ली, 7-7 लेवल तक आ गए, आप भी 7-7 तक आ गए, आपके 15 लोग भी 7-7 तक आ गए, और वो जो 15 लोग है ना उनको भी 15-15 लोग मिले हुए, उनको भी 15-15 लोग मिले हुए जो 7-7 लेवल तक आएंगे उनके। मैं एक रेशियो लेके चल रहा हूँ, किसी के लिए पास में 16 भी होंगे, किसी के साथ में 20 भी होंगे, किसी के पास में 25 भी होंगे। ठीक है, अगर दिल से शिद्दत से काम करोगे और उस पर 100% फोकस के साथ में अगर फोर्स को कर रहे हो ना डेडिकेशन के साथ में, तो डेफिनेटली 15 से ज्यादा मिलेंगे। अब उनके 15 लोगों से आपको कितनी इनकम आएगी, 15 उनके साथ में 225 लोग X3 में, 225 यानी हर तीसरे मेंबर से इनकम आपको आएगी या फिर आपकी अप्लायंस में जाएगी। 75 लोगों से अप्लायंस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी 25 का अप्लायंस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 50 से इनकम आपको आएगी कितनी, 480 BUSD के हिसाब से पर मेंबर से, 480 BUSD यानी 50 लोगों से 24,000 BUSD की इनकम इंडियन करेंसी में समझो तो 21 लाख रुपए की इनकम। कितनी? 21 लाख रुपए की। 40 + 21 कितना बन गया दोस्तों? 61 लाख रुपए। कितना बन गया? 61,60,000 रुपए की इनकम। अब इसमें X4 की भी अगर आप इनकम समझोगे तो X4 में भी आपको ऑलमोस्ट 21 लाख रुपए की इनकम होने वाली है इन 15 लोगों के काम करने से। अगर इनके 15 लोग जो आपके डायरेक्ट के जो 15 लोग है ना, इनके डायरेक्ट वाले भी 7-7 लेवल पे आ जाते नहीं, आने ही है। जिसको करोड़पति बनना उसको आना ही है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, है ना, ये रास्ता ही एक ही है इसका, यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा रास्ता है ही नहीं। 7-7 लेवल पे आपके 15 लोगों के 15 लोग भी आएंगे और वहां से भी आपको 21 लाख की इनकम होगी, टोटल 82 लाख की इनकम होगी। ये अर्निंग करने में कितना टाइम लग सकता है? मैं मान के चलता हूं कि ये अर्निंग करने में आपको 8 महीने लग गए, टोटल अर्निंग करने में 8 महीने लग गए। और आप कितने लेवल पे हो? 7-7 लेवल पे, आपके 15 लोग भी 7-7 पे, उनके 15 लोग भी 7-7 पे, और ये सिलसिला चल रहा है। मेहनत कर रहे हो सब लोग मिलके, बिना मेहनत के फोर्स में कुछ नहीं है। डेडिकेशन के साथ में मेहनत करोगे करोड़पति बन जाओगे, किसी दूसरे सिस्टम से नहीं बन पाओगे। ये चीज अपने माइंड में आपको बिठा लेनी है। ठीक है, अब यहां से आप समझिएगा, आपको भी आपने 8वें लेवल में जाना है और 9वें लेवल में भी जाना है। टोटल 1,890 BUSD का आपका कोस्टिंग है 8वें और 9वें लेवल का। आप गए और आपके 15 लोगों को भी आपने लेके जाना है, क्योंकि उनको भी करोड़पति बनाना, वो आप ही को फॉलो कर रहे होंगे एंड डेफिनेटली करेंगे आपको फॉलो। वहां से आपको 18,900 BUSD की इनकम होगी इंडियन करेंसी में, अगर आप लोग समझो तो 17 लाख रुपए, यानी 82 लाख + 17 लाख कितने हो गए? 99 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 1 crore आपने अर्न कर लिया। और अगर X4 से आप समझोगे तो X4 से आपको कितनी अर्निंग आएगी? X4 से ऑलमोस्ट आपको 1,890 यानी 13,011 लाख रुपए की, यानी आपको अर्निंग आ गई भाई साहब 1,10,00,000 की। कितनी अर्निंग होगी आपकी? 1,10,00,000 रुपए की आपकी अर्निंग हो चुकी है, केवल और केवल आप 9 लेवल्स तक हो और आपके 15 लोग 9 लेवल्स तक है। अब इनके 15 लोग अगर 9 लेवल्स तक आ जाए तो अब असली गेम शुरू होता है। इनके कितने लोग है? टोटल 225 लोग जो X3 में 9 लेवल्स तक हैं। इनके हर तीसरे मेंबर से इनकम आपको आएगी, आपके अप्लायंस में जाएगी, यानी 75 में से 25 आपके अप्लायंस को जाएगी। 50 लोगों से अर्निंग आपको आएगी, कितने आएगी? 1,890 BUSD यानी 54,500 BUSD। कितनी? 54,500 BUSD आपको X3 से आएगी एंड X4 से भी 54,500 BUSD आएगी, 1,89,000 इंडियन करेंसी में समझो तो 1,70,00,000। कितनी? 1,70,00,000 प्लस 1,10,00,000, टोटल बन रही है दोस्तों 2,81,00,000। कितनी बन रही है?
2.81 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग अगर आपके डायरेक्ट में 30 लोग 5-5 लेवल्स तक है, 15 लोग 7-7 लेवल तक है, वही 15 लोग 9-9 लेवल तक है, और उनके भी 30 लोग 5-5 लेवल्स तक, 15 लोग उनके 7-7 और 9-9 लेवल्स तक है, तो आपकी अर्निंग 2.5 करोड़ रुपए से प्लस किया। मैं मान के चलता हूं कि ये अर्निंग करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 10 महीना ज्यादा से ज्यादा लेके चलो। एक साल में तो 101% आप अचीव कर ही लोगे, एक साल में 2.5 करोड़ रुपए 101% एक साल के अंदर अचीव कर सकते हो, अगर जिस स्ट्रेटजी पे मैंने काम बताया उस पर कर लिया। एक साल आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, कौन सी मूवी लॉन्च हो रही है, कौन सा ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टी में कौन सा क्या कुछ चल रहा है, कब चुनाव हो रहे हैं, ये सब चीजें अगर छोड़ दोगे डेफिनेटली एक साल के अंदर 2.5 करोड़ रुपए कमा लोगे, 2.5 करोड़ प्लस। मैं मान के चलता हूं कि आपने एक साल के अंदर 2.5 करोड़ नहीं कमाए, अगर इसका 50% भी कर लिया ना तो 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की आप अर्निंग कर लोगे। अगर 1.5 करोड़ भी आप अर्निंग नहीं कर पाए, इसका केवल अगर मान के चलो कि आपने 30-40% भी अगर अचीव किया ना, या 33% 2.81 का 33% भी अगर अचीव करोगे, या फिर 35% भी अगर अचीव करोगे, सॉरी 36 पासिंग मार्क कितना होता है 36, तो जितना मैंने प्लानिंग दिया उसका अगर 36% भी आप अचीव करोगे आप पास हो जाओगे। पास होने का मतलब 1 करोड़ कमा लोगे। स्कूलिंग में यही होता ना, 36% वाला पास होता था, उसके आगे 40% 60% वाला फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन है ना, फर्स्ट डिवीजन के लिए सब लोग भागते थे। यहाँ पे साला आपको 36% भी अगर आपको सक्सेस मिल गई ना, 1 करोड़ रुपए कमा लोगे। 1 करोड़ का मतलब है 365 दिन में पर डे 28,000 रुपए की इनकम करोगे। आज आप अगर पर घंटे पर डे 12 घंटे काम कर रहे हो ना पर डे, तो आपकी 1 घंटे की ऑन एन एवरेज आपको जो रिवॉर्ड मिलेगी ना एक साल के बाद, वो 2323 रुपए होंगी, यानी 2000 प्लस की आपको रिवॉर्ड मिलेगी। और 9 लेवल्स की अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं ना, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 5 लेवल्स तक 155 USD, फिर 160 USD, 320 USD, 640 USD, 1250 USD, यानी 2525 USD तो X3 में है, और इतना का इतना ही X4 में है। इंडियन करेंसी में अगर आप लोग समझो तो केवल 4.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है X3 और X4 के 9-9 लेवल्स तक आने में। कितना है X3 और X4 के 9-9 लेवल्स में आने तक 4.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन जिस बंदे को फंडा समझ में नहीं आता ना, ये वो एक चीज बोलता है कि सर इसमें तो जो कमा लगाना ही पड़ता है। अभी ये देखो कि आपने डायरेक्ट में कितने मेंबर्स कर रखे हैं, या फिर इसमें एफर्ट कितना डाला है। प्रॉब्लम यही है, डायरेक्ट में 3-4-5 मेंबर्स है, या 25 मेंबर्स कर रखे होंगे, 30 मेंबर्स भी कर रखे होंगे, उनमें से काम करने वाले 2 मेंबर्स हैं, और आपने सोचा हमने तो 30 डायरेक्ट कर लिए। भूल जाओ कितने डायरेक्ट कर लिए, ये देखो काम ही कितने कर रहे हैं डायरेक्ट में, काम कितने करने वाले हैं। और काम करने वाले अगर हो गए तो आप देखो 4.5 लाख रुपए का आपका टोटल कॉस्टिंग आ रहा है X3 में 9 लेवल्स और X4 में 9 लेवल्स करने का, और अर्निंग का बता रहा हूं मैं 2.5 करोड़ प्लस का एक कैलकुलेशन। 2.5 करोड़ पे नहीं पहुंचे तो 1 करोड़ पे 101% पहुंच जाओगे, बट इस पे काम करना होगा। ये जो 30 का डायरेक्ट का रेशियो मैंने बताया आपको, 30 डायरेक्ट करने का, इस पे काम दिल से शिद्दत से करना होगा। ये सपोर्ट करने के लिए हम लोग हैं। अभी जैसे मैं ये सेशन में आपको पूरा प्लानिंग दी ना, इस प्लानिंग को अपने माइंड में रख लो। मैं ये अब तक 4 बार प्लानिंग दे चुका हूं, और मैं आपको बता दूं आपके किसी भी लीडर को अगर अपनी टीम में ये सेशन करवाना है, ठीक है, मुझे पर्सनली बुला के मैं आऊंगा। 4-5 लोग भी अगर आपके सेशन में है मुझे इन्वाइट करिए, अगर आपकी 10 लोगों की भी टीम है मुझे इन्वाइट करिए, अगर आपकी 10 लोगों की भी टीम है मुझे इन्वाइट करिए। मेरा नंबर आपको मैं दे देता हूं, Sorry, 63-67-06-91-08 ये मेरे नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मोबाइल नंबर है जो कैलकुलेटर में मैंने लिखा है। अगर आपकी 10 लोगों की भी टीम है और आपके 2 लोग भी है ना मीटिंग के अंदर, तो मैं आऊंगा और उनको प्लानिंग दूंगा, क्योंकि मुझे कम से कम 1,000 लोगों को करोड़पति बनाना है, और 73,000 में से मुझे पता है 72,000 लोग नहीं करोड़पति बनने वाले, केवल 1,000 लोग है जो करोड़पति बन सकते हैं। बाकी जो 1,00,000 कमाएंगे, 10,00,000 कमाएंगे, 50,00,000 कमाएंगे, वो तो कमाएंगे ही कमाएंगे, बट मुझे 1,000 लोगों को करोड़पति बनाना है।
तभी तो मेरी ये औकात नहीं थी कि मैं खुद को भी बना सकूं, लेकिन आज एक ऐसा सिस्टम मिला है जिसके थ्रू मैं लोगों को करोड़पति बनने में उनकी हेल्प कर सकता हूं। अगर इतना बड़ा अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। क्या पता भगवान ने मुझे इसीलिए इस पृथ्वी पे जन्म दिया हो कि भाई साहब मुझे कमाने हैं। अच्छा अभी से कॉल करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, अरे रुको भाई साहब अभी कॉल मत करो। ठीक है, आज तो मैं अगर आपको बताऊं तो थोड़े से सेशंस में बिजी हूं, बट जैसा भी शेड्यूल बनेगा 1, 2, 4, 5 दिन में मैं आऊंगा आपके सेशंस में। 2, 4, 5, 25 जितने लोग हैं उनके साथ में मिलके प्लानिंग करेंगे, सेम प्लानिंग देंगे। ठीक है, और डेफिनेटली मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। एक चीज मैं बता दूं, दिल से शिद्दत से आपको काम करना होगा। रुक जाओ भाई साहब अभी से कॉल करना स्टार्ट मत करो, दिल से शिद्दत से काम करना होगा आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात, फोर्स आज बिजनेस है उन लोगों का जो जैनमन तरीके से काम करेंगे। ठीक है, ये बिजनेस एक दूसरे को टोपी पहनाने का नहीं है, एक दूसरे से झूठ बोलने का नहीं है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे को एजुकेट करने का बिजनेस है, ये एक दूसरे की लाइफ को सेट करने का बिजनेस है, एक दूसरे से सीखने और सिखाने का बिजनेस है। ना कि यहाँ पे हम एक दूसरे से झूठ बोले या फिर अपना केवल देखे या फिर अपना ही हम अच्छा करते रहे, नहीं। अगर आपको करोड़पति बनना है ना, लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करना स्टार्ट कर दो, आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली आपका अपने आप भला हो जाएगा। ये सोच इस बंदे ने रख ली, वो बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। डजंट मैटर कि नॉलेज कितना है या फिर आपके पास में एक्सपीरियंस कितना है, आपकी एज क्या, डजंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। आपकी सोच ही आपका सच में एसेट है और आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। अपने नेटवर्क के साथ में हमेशा ईमानदार रहना, अपने टीम के साथ में हमेशा ईमानदार रहना। अगर किसी के भी पास में 5-5 लेवल्स के स्लॉट्स एक्टिवेट करने के पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बताइए कि 1200 से स्टार्ट किया है, लोगों को 1200 से लेके आइए, 5-5 लेवल्स तक लेके जाइए, और जिस दिन 5-5 लेवल्स पे आ जाओ उस दिन से समझिएगा कि रियल स्टार्टिंग हुई है। और कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो भी 5-5 लेवल्स पे भी नहीं होंगे। सबसे पहले तो वही लोग हैंडरेज करें जो अभी 5-5 लेवल्स पे भी नहीं है। एक बार हैंडरेज करके बताएं, जो X3 में 5 लेवल और X4 में 5 लेवल्स पे नहीं है, जिनके 5-5 लेवल्स पे स्टार्ट नहीं है। ओके, काफी सारे लोग हैं जो 5-5 लेवल्स पे भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों की फोर्साइज में शुरुआत ही नहीं हुई है। जितने लोगों ने अभी तक X3 और X4 में 5-5 लेवल्स भी स्टार्ट नहीं कर रखे, एक्टिवेट नहीं कर रखे ना, आपकी फोर्साइज में शुरुआत ही नहीं हुई है, आप जीरो पे हो। बट डोंट वरी, मैं भी एक दिन जीरो पे था, मेरे पास में भी एक दिन पैसा नहीं था कि मैं 5-5 लेवल्स यानी 25,000 की पॉकेट से लगा, इतना मेरा पॉकेट भी मुझे अलाउ नहीं कर रही थी। राइट, तो मैंने कैसे किया भाई साहब, मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता था नहीं। फोर्सास के अंदर ऐसे लेवल्स एक्टिवेट होता नहीं, उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे मेरे खुद के पास थे नहीं, तो मैं क्या करूं। मैंने दिन रात काम किया, फोर्सास के पहले लेवल से मैंने कमाया, दूसरे से कमाया, तीसरे से कमाया, उससे चौथा ओपन किया, चौथे से पांचवा ओपन किया, पांचवे से छठा ओपन किया, और आज देख सकते हो X3 में मेरे 12 लेवल्स एक्टिवेट है, पूरे 12 के 12 स्लॉट्स एक्टिवेट है। X4 में मेरे 11 लेवल्स एक्टिवेट है, XXX में मेरे 8 लेवल और X Gold में मेरे 11 लेवल्स एक्टिवेट है। मेरी भी शुरुआत बिल्कुल पहले पहले लेवल से स्टार्टिंग हुई थी। बट होता क्या है, बहुत सारे लोग ना सोच नहीं पाते हैं। मेरी सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि मुझे 4-7 बिजनेस को ज्वाइन करने के 15 दिन बाद में या 20 दिन के बाद में ये चीज समझ में आ गई थी कि मुझे अपने स्लॉट्स बढ़ाने। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो महीने के बाद भी ये चीज मानने को तैयार नहीं कि मुझे बड़े लेवल्स पे जाना है। वो पहले दूसरे से खेल रहे हैं, महीने के 5-10-25,000 रुपए कमा रहे हैं, उसमें खुश है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही कि ये प्रॉब्लम या फिर इस मेंटालिटी की वजह से आप करोड़ रुपए नहीं कमा पाओगे 4 साल के अंदर। राइट, तो अगर आपको करोड़ तक पहुंचना है तो सबसे पहली आपकी रियल शुरुआत तब होगी जब आप 5-5 लेवल X3 और X4 में आओगे और 30 डायरेक्ट मेंबर्स आपके साथ में ऐसे होंगे जो 5-5 लेवल्स पे होंगे। उसके बाद में आपकी करोड़पति बनने का सफर जारी होगा, तब तक नहीं होने वाला। तो ये 5-5 लेवल्स करने में आपको कुछ टाइम लग सकता है, किसी को 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना 20 दिन जितना भी है, यहीं से कमाइए और यहीं से सबसे पहले 5 लेवल्स एक्टिवेट करिए, फिर तो पता ही नहीं चलेगा छठा लेवल, 7वां लेवल 8वां लेवल 9वां लेवल 10वां लेवल कैसे हो जाएंगे आपके। बस आपके डायरेक्ट मेंबर्स होने चाहिए और उनमें कुछ वर्किंग लीडर्स होने चाहिए। कितने सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, 276 है, जिनमें से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज कल परसों या फिर मैं मान के चल रहा हूं कि 15 तारीख से पहले 20 तारीख से पहले अपने 5-5 लेवल्स पे आ जाएंगे कैसे भी करके। आपकी असली शुरुआत यही होगी। देखो, अगर करोड़पति बनना है, करोड़ रुपए कमाना है, तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
ठीक है, यहां तक आपको जाना ही होगा। ये नहीं करना तो जो आप करोड़ कमाने का सपना देख रहे हो, सॉरी टू से, बट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको करना है तो आपको बहुत जल्दी 5-5 लेवल तक जाना है। अब आपको करोड़पति कितने टाइम में बनना, उसके अकॉर्डिंग आप जल्दी जाइएगा। एक चीज अगेन ध्यान रखिएगा, मेहनत से हर एक चीज हासिल होती है। 30 नहीं, 50, 100, 200, 500 कितने भी लोग आपको डायरेक्ट में मिल सकते हैं। कोशिश करना मत छोड़िएगा, हर दिन काम करिएगा, 50 नंबर्स को कॉल करिएगा। बहुत सारे लोग मना करेंगे, बहुत सारे लोग ना करेंगे, लेकिन हर एक चीज के लिए ना और हाँ होती रहती है। आपको डेफिनेटली 30 नहीं, 40-50 लोग भी ऐसे मिलेंगे। और मैं तो 15 लोगों की प्लानिंग दूं, 20 लोगों की कैलकुलेशन आप करके देखना, या 50 लोगों की कोई कैलकुलेशन आप करके देखना, 2.5 करोड़ नहीं, 25-30-50 करोड़ रुपए का भी पोटेंशियल अर्निंग हो सकती है आपको फुटसाज के अंदर। ठीक है, तो आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए आज के हमारे होस्ट मिस्टर रमेश जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। अगले 15 मिनट तक मेरे कहने पे सभी करोड़पति, जितने भी करोड़पति बनने वाले आने वाले टाइम के, प्लीज आप 15 मिनट तक और बने रहिएगा, टीके रहिएगा, क्योंकि हमारे जितने भी साथी हैं इनसे भी बहुत कुछ सीखने को सुनने को मिलेगा। तो आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर रमेश सर को। प्लीज आप आइए और आगे का सेशन, ओवर टू यू सर। थैंक यू। चलिए, थैंक यू आपने मेरे बोलने के लिए मौका दिया। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी जितने मेरे बिजनेस पार्टनर है, आज हमारे किंग ने किंग मेकर कहते हैं किंग बनने का जो फॉर्मूला है, राजा बनने का फॉर्मूला है, आप करोड़पति बनने का फॉर्मूला आप सभी को मिल चुका होगा। माय डियर फ्रेंड, सर का जो माइंडसेट है, सर का जो विजन है दोस्त, हमें करोड़पति का खेती करना है दोस्त। अगर 1,000 करोड़ अगर महसूस की इस बात को कि आज हमारे मीटिंग में 1,000 लोग, अगर आप सभी लोग अगर करोड़पति बन जाते हैं दोस्त, आपके परिवार में, आपके गाँव में, आपका जिला भर में जो आपका सम्मान होगा, क्या लगता है दोस्त, वो पैसे से गिना जा सकेगा क्या? पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन फोर्साइज प्लेटफॉर्म पे दोस्त आपको जो सम्मान मिलता है वो पैसे से कई महत्वपूर्ण है। कहते हैं दोस्त ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या होता है, इस बात को पहले आप बारीकी से सर ने बताया और एक सिंपल में बताना चाहेंगे दोस्त। आप सभी लोग बिस्लरी वाटर, पानी का बोतल का नाम सुने होंगे। अगर पूरे इंडिया में अगर वन ऑफ द बेस्ट एक नॉर्मल फैमिली देखा जाए, अपर में बहुत सारा क्वालिटी होता है दोस्त, ब्रांडिंग देखा जाए वो बिस्लरी का है। अगर कोई भी इंसान कहीं भी अगर अच्छा प्रोफाइल में जाए, नॉर्मली कहीं भी अगर जाए, अगर डिमांड करता है पहला पानी कौन सा करता है पता है दोस्त? बिस्लरी का। नॉर्मल पानी मार्केट में बहुत सारा है, उस वो आपको 10 रुपए बॉटल में मिल जाता है, बिस्लरी 20 में मिलता है। लोग बड़े चाव से पीता है, पता है क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, बिस्लरी ने अपने ब्रांडिंग बनाया। उसकी स्टार्टिंग पता है, जब बिस्लरी का जो ऑनर था दोस्त, वो जब पहली बार समुद्र के किनारे, गंगा किनारे गया और एक बोतल पानी लेकर आया, तो बोला बोतल में पानी क्यों भर रहे हो? तो बोला हम इसको बेचेंगे। यकीन मानिए दोस्त, व्यक्ति जिसको बोला ना आज से 20-30 साल पहले कि पानी बेचेंगे बोतल में भर के, तो सभी लोगों ने मजाक उड़ाया, बोला ये पागल हो गया, पानी कभी बिकेगा क्या, ऐसे तो बहा पड़ा मिलता है। लेकिन दोस्त जिन जिन ने उस पर हंसा था, आज यकीन कीजिए वो सभी लोग आज उसके लिए काम करते हैं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जिस पानी का कद्र जिसे था नहीं, उसे आज समझ में आता होगा सच्चाई दोस्त, की घर घर में पानी का किल्लत है। आज वो इंसान जिसका माइंडसेट क्लियर था कि हम पानी को बेच सकते हैं, और वो दोस्त आज एक ब्रांड बना गया। उसी प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अपने नाम के पीछे सीआर लगाए, करोड़पति बने, तो दोस्त आपको पहले अपनी ब्रांडिंग करना होगा, आपकी अपने मटेरियल को तैयार करना होगा। और वो पावर देता है, वो एक प्लेटफॉर्म है, वो हमारा फोर्सेज, वो फोर्सेज। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन से सभी का माइंडसेट क्लियर हुआ होगा कि दोस्त हम अपने नाम के पीछे, आगे नहीं पीछे, स्टार्टिंग सीआर, आपका जो भी गुड नेम है वो अगर चाहते हैं तो दोस्त 50 कॉल एवरीडे माइंडसेट कर लीजिए, करना है। हम कहीं भी जॉब करते हैं ना दोस्त, क्यों करते हैं? रोटी के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए। 8 घंटा इस धूप में भी कोई व्यक्ति 300-400-500 रुपए के लिए धूप में काम कर रहा है दोस्त, घर पे बैठकर छत के नीचे 50 कॉल तो ही करना है। कितने से बिजनेस पार्टनर कहते हैं कि सर हम 50 कॉल करेंगे, एक बार हैंडरेज करेंगे? कितने से पोटेंशियल लीडर्स हैं हमारे मीटिंग में जो कहते हैं सर 50 कॉल हम करेंगे, आई कैन डू। क्योंकि दोस्त कहते हैं इफ यू थिंक यू कैन, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ये संख्या 200 से ज्यादा लोग दिख रहा है दोस्त, जो कि वो करोड़पति बनने का गारंटी है। क्योंकि दोस्त जिस नक्शे पे चलकर सर ने आज अपने आप को प्रूफ किया है, उसी नक्शे पे अगर आप भी चलेंगे, गारंटी आप भी उस चीज को पा सकते हैं। चलिए, ये दिख रहा है मेरे दोस्त कि आज इस 1,000 लोगों में से 300 लोग लगभग गारंटी सीआर बनेंगे। क्योंकि दोस्त कहते हैं ना कि मंजिल
मिल ही जाएंगे चलते चलते। गुमनाम तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। माय डियर फ्रेंड, अगर घर से अगर कॉलिंग को स्टार्ट करेंगे ना, यकीन कीजिए हो सके आप 6 महीना में नहीं बनिएगा, 1 साल में जरूर बनिएगा। तो हकीकत यह है दोस्त कि सर का माइंडसेट है कि लखपतियों का खेती तो हो चुका है, आप करोड़पति का खेती करना है, तो आप सभी लोग तैयार रहे। और हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच में बहुत सारे कोहोस्ट है, उनसे सुनना चाहेंगे, तो इनवाइट करने जा रहे हैं। हमारे बीच में कोहोस्ट बहुत सारे अवेलेबल है, कुछ कोहोस्ट को सुनना चाहेंगे कि आज का सेशन से उसका क्या कमिटमेंट है, क्या माइंडसेट, वो करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले इनवाइट करने जा रहे हैं, हमारे बीच में अवेलेबल है नीरज राजपूत सर। वेलकम है सर, स्वागत है आपका नीरज राजपूत सर। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतने बड़े मंच पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच गौरी शंकर सर, थैंक यू सो मच रामदेव सर, जो आपने इतना शानदार जबरदस्त नॉलेज दिया। मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, जब शुरुआत में मुझे कुछ भी माइंडसेट नहीं था, उस टाइम पे सर ने ही कहा था, मतलब शुरुआत में जैसे आज सर ने कहा कि मैं किसी के लिए भी अवेलेबल हूँ, कोई भी मुझे कॉल करिए और सेशन में लूंगा। तो उस टाइम पे भी सर ने मुझे सेम ही मैंने कॉल किया था और समथिंग 7 दिन तक कंटिन्यू सेशन चालू किया था, जिसमें 8-10 लोग आते थे सिर्फ। नेमराज सर ने और रामदेव सर ने 8 दिन तक सेशन को कंटिन्यू किया था। उस टाइम पे सर की टीम भी समथिंग 5,000 से ज्यादा की थी। पर जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और जो अपलाइन बता रहे हैं, क्योंकि सर ने सबसे बढ़िया बात कही है इसमें कि मेहनत तो करना पड़ेगा। जैसे कि मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे आज कर लो चाहे बाद में करो। अगर हम आज मेहनत करते हैं, अगर हम 6 महीने ईमानदारी के साथ सर ने जिस तरीके की प्लानिंग बताई है उस पे काम करते हैं, डेफिनेटली अगर हो सकता है कि हम एक बार के कामयाब ना हो, पर अगर हमने ईमानदारी के साथ काम किया और अगर हम कामयाब हो गए तो हमारी जिंदगी तो बदलेगी, साथ में हम कई लोगों की जिंदगी बदल देंगे। जो हमारे साथ आएंगे उन लीडर्स की भी जिंदगी बदल देंगे। हमें जिनको भी प्लान दे रहे हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दीजिए, क्योंकि हम उनके लिए एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जिस प्रकार मेरे अपलाइन ने मुझे फर्स्ट टाइम फोरसाज का प्लान दिया था, या मैंने अपलाइन को डायरेक्टली कॉल करके कहा था कि सर मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि मुझे जब प्लान समझ में आ गया था तो मैंने डायरेक्टली कुलदीप सर को कॉल किया था कि सर मुझे इस फोरसाज में ज्वाइन करना है। सर ने कहा ठीक है ज्वाइन करिए। और जैसे ही आप, कई ऐसे लोग होते हैं जो ज्वाइन तो करना चाहते हैं, बस वो तलाश करें एक अच्छे लीडर की, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचोगे तो डेफिनेटली कई लीडर आपको मिलेंगे जो आपके साथ ज्वाइन होंगे, काम भी करेंगे। शुरुआत में छोटा रिजल्ट होगा, पर आगे चल के वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करेंगे। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली सर ने कहा 1,000 करोड़पति, डेफिनेटली सर की टीम में से 1,000 करोड़पति बनेंगे सर ही। पर हमें क्या करना है, हमें उन करोड़पतियों में शामिल होना है। जैसे सर ने कहा था कि मेरी टीम यहाँ पे बहुत बड़ी है, जिसमें से सिर्फ 1,000 ही लोग है जो ऐसे करोड़पति बनेंगे, बाकी के नहीं बनेंगे। बाकी के क्यों नहीं बनेंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं मेहनत नहीं करता हूँ तो मैं डेफिनेटली नहीं बनूंगा, अगर मेहनत करता हूँ तो डेफिनेटली बन सकता हूँ। तो सेम ही हम सभी पे लागू होता है कि हमें सिर्फ ईमानदारी से काम करना है, मेहनत करनी है, मेहनत हमारे हाथ में है, 100% हम अपना देना है और डेफिनेटली हमारी एक टाइम पे सक्सेस होगी। और यहाँ पे अगर हम जो सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं, बस उसके लिए हमें पूरी तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतने बड़े मंच पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच रामदेव सर, जो आपके गाइडेंस में हम लगातार सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आगे सर जी कंटिन्यू करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा हम सभी के लिए मैसेज दिया। नेक्स्ट इनवाइट करने हमारे बीच में अवेलेबल है रोहित चौधरी सर। वेलकम है हिमाचल प्रदेश, स्वागत सर आपका। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सबसे पहले रमेश सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रामदेव सर जो कि हमारे मेंटोर हैं, और बहुत ही कमाल का आज का प्लानिंग रहा। मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ एक्शन के ऊपर दोस्तों, क्योंकि बात आती है कि प्लानिंग हमें मिल चुकी है, बारी है अब हमारे एक्शन की। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हैंडरेस किया था जिनका अभी तक 5-5 लेवल नहीं है, और एक्शन हमारा सबसे पहले यही बनता है कि सबसे पहले हमारे खुद के 5-5 लेवल अपग्रेड होने चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी टीम को अगर सोच रहे हैं कि 5-5 लेवल तक लेके आना है, अपने 30 डायरेक्ट को हमने करना है, तो कहीं ना कहीं तभी जाके ये पॉसिबल है जब हमारे खुद के लेवल उतने होंगे। तो जिस तरीके से रामदेव सर ने बताया कि आज उनके काफी सारे मैक्सिमम लेवल अपग्रेड है, X3 के अंदर 12 लेवल अपग्रेड है, उसी तरह से मैं भी अगर फुरसाज में पिछले कुछ टाइम से काम कर रहा हूं
तो मेरे अब स्लॉट भी अप्रोक्स X3 में 9 लेवल अपग्रेड है, X4 में 8 लेवल अपग्रेड है। तो इस तरीके से सबसे पहला एक्शन हमारा बनता है कि हमें अपने मैक्सिमम लेवल्स को अपग्रेड करना है, और उसके बाद में जो प्लानिंग हमें मिली है 1 CR की या फिर इससे ऊपर अगर हमें अर्निंग करनी है तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। हमें अपने 50 लोगों को डेली के डेली कॉल करना होगा, डेली के डेली हमें लोगों तक पहुंचना होगा, क्योंकि जब तक हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे पास में रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रहे हैं तो रिजल्ट भी मैक्सिमम तरीके से हमारे पास आएंगे, अगर हम मिनिमम लोगों तक पहुंच रहे हैं तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, बारी है एक्शन की। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज जो कि सर ने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को, हम सभी लोगों को बताया था कि कहीं ना कहीं फुरसाज के अंदर अभी 4 प्रोग्राम है और 5वां प्रोग्राम फुरसाज में एड ऑन होने जा रहा है, और जिसके अंदर हम सभी लोग बहुत बड़ा धमाल मचा सकते हैं। लेकिन उसको उसमें धमाल मचाने के लिए हमें सबसे पहले आज प्रेजेंट टाइम को हमें यूटिलाइज करना होगा, इस समय की महत्वता को समझना होगा और मार्केट को पूरी तरफ से मतलब परेशान करना होगा, तभी जा करके हम लोग इस नए प्रोग्राम के अंदर बहुत बड़ी अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट इनवाइट करने जा रहे हमारे बीच में अवेलेबल हमारे मेंटर मिस्टर गौरी शंकर सर, कोस्ट सर स्वागत है आपका, माइक अनम्यूट करेंगे, वेलकम सर आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद विश्व के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया, और इस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ वो मिस्टर रामदेव हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट मेंटर की वजह से हूँ। तो यहाँ पर उपस्थित 816 भावी करोड़पतियों को नमस्कार। मैं तो चाहता हूँ कि हम सभी करोड़पति बने, और इस करोड़पति की राह में जो सर ने रोडमैप दिया है और सर ने रोडमैप बनाया है उस पर इम्प्लीमेंट करना है। और दोस्तों यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, और जो रोहित चौधरी सर ने बताया है कि जिन लोगों के स्लॉट है नहीं है, तो वाकई में मेरे दोस्त हम तभी 1 CR बन सकते हैं, 1 CR की राह पर चलेंगे, जिस स्टेज पे हमें जाना है, जहां जहां पर हमें इन्वेस्ट करना है और जहां जहां हमारे लेवल बढ़ने हैं, है ना, तो तभी हम अपनी टीम को ला सकते हैं, हमारे बड़े लेवल होंगे। तो वाकई में आज का जो सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, और आज के जो होस्टिंग मिस्टर रमेश सर ने की है वो बहुत ही जबरदस्त की रही, और मिस्टर रामदेव सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से रोड मैप बताया है, और अगले 4-5 सेशन से वो बड़े जबरदस्त तरीके से रोड मैप बता रहे हैं लोगों को। और यहाँ पर सेकंड धन्यवाद मैं रमेश सर को देता हूँ कि जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से होस्टिंग किए, और मेरे पहले आने वाले होस्टों ने काफी कुछ बताया है, तो थैंक यू। ओवर टू, समय की भी कमी है तो और नेक्स्ट लीडरों को इनवाइट करिए। ओवर टू रमेश सर। ओके थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में अवेलेबल संजय उपाध्याय सर, स्वागत सर आपका, पोस्ट वेलकम सर आपका। ओके सो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर जो आपने बोलने का मौका दिया, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा रामदेव सर का, जो हमें डेली कुछ न कुछ नई चीजें सिखाते हैं, और जो भी मिशन चलाया है सर ने, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर हम इस मिशन के ऊपर काम करें, इस रोड मैप के ऊपर काम करें, और इस कैटेगरीज के हिसाब से अगर हम चलें तो कामयाब ना हो पाए, ठीक है। लेकिन कामयाब होना इतना आसान नहीं है, पैसा तो सभी कमाना है, लेकिन क्या पैसा सब लोग कमा पाते हैं, लेकिन क्या रोड मैप तो सभी को मिलता है, लेकिन क्या सब लोग कमा पाएंगे, सब लोग उस रोड मैप के लेके चल पाएंगे, नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस सर ने बोला कि अगर आपको कामयाब होना है तो जिस भी सिस्टम में आप हो ना, पहले उस सिस्टम को आप ब्रांड बनाओ। ऑलरेडी आपका फोर्सेस ब्रांड है, आप अपने खुद को ब्रांड बनाओ, आप अपने प्रमोशन को ब्रांड बनाओ। और देखो अगर किसी भी ऐसे सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हो, जैसे फोर्सेस की बात करूं मैं, तो फोर्सेस ऑलरेडी ब्रांड है, और ब्रांड में अगर आपको काम करना है 1 करोड़, तो मेंटेलिटी भी आपकी उतनी होनी चाहिए। अगर 25 से 30 हजार रुपये अभी आप अगर सिस्टम को स्टार्ट करके इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो करोड़ों रुपये कमाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि 1 करोड़ रुपया कोई कमा सकता है, ठीक है। अगर आपको 5-5 लेवल बोला जा रहा है कि आप 5-5 लेवल से स्टार्ट करो, तो डेफिनेटली आप स्टार्ट करो, और जो आपको रोड मैप बताया सर ने, उस रोड मैप के हिसाब से आप स्टार्ट करो, और अपनी टीम को भी बोलो। डेफिनेटली आप 1 करोड़ नहीं, यहाँ से बहुत बड़ी इनकम कर सकते हो, क्योंकि जो यहाँ पे सारी चीजें बताई जा रही है, कैलकुलेशन किया जा रहा है, कैलकुलेशन करके आपको उसको बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हो सकती है, राइट। और दूसरी चीज है कि कहीं ना कहीं हम तो काम कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम इसी सिस्टम को, इसी बिजनेस को अपना बना के काम करना स्टार्ट करें।
सर ने एक बात बताया था बहुत एक मीटिंग में कि अगर 15,000 के हिसाब से भी आप कमाते हो ना तो साल का आप ना 1,80,000 कमाते हो, ठीक है, लेकिन आपको 8 से 10 घंटा आप काम देते मेहनत करना पड़ता है। अगर वही 8 से 10 घंटा आप सिस्टम के अंदर काम करते हो ना तो आप करोड़ों रुपया साल के कमा सकते हो। तो वो कैलकुलेशन आप भी निकाल सकते हो, आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका माइंडसेट भी क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट भी आपका आपके फोकस होना चाहिए आपके मिशन के ऊपर। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा रमेश सर। सर आपने बहुत अच्छा मैसेज हम सभी लोगों को दिया। फ्रेंड्स सेशन को 5 मिनट हम और लेंगे, हमारे कुछ होस्ट है तो बने रहिएगा लास्ट तक। नेक्स्ट इनवाइट करने जा रहे हैं, हमारे बीच में अवेलेबल है महेंद्र मौर्या सर, वेलकम है सर, आपका स्वागत है कोस्ट सर आप। ओके थैंक यू सो मच रमेश कुमार सर मुझे इतने बड़े मंच पे इनवाइट करने के लिए। सबसे बिग थैंक यू मैं कहना चाहूंगा आपके लिए, आपकी जो एंकरिंग रही आपकी बहुत जबरदस्त रही, और उससे भी ज्यादा बिग थैंक यू मैं कहना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर रामदेव सर का, जिन्होंने जब भी आते हैं मैं देख रहा हूं कि 4-5 बार सेशन ले चुके हैं सर इस प्लानिंग पे, और बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग है। लेकिन मेरे दोस्त रोहित चौधरी सर ने बिल्कुल सही बात कही कि जब हम किसी दूसरे को जब प्लान देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें खुद में इंप्लीमेंट करना चाहिए, यानी कि अगर हम 5-5 स्लॉट से किसी दूसरे व्यक्ति को अगर इनवाइट करना चाह रहे हैं तो हमारे खुद के 5-5 लेवल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम किसी लोगों को अपने घर पे दावत भी देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसका इंतजाम कर लेते हैं, तो पहले हमारे इंतजाम होना चाहिए, हमारे 5-5 स्लॉट होने चाहिए। और एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को सीख मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मैं एक कहानी के तौर में बताना चाहूंगा कि एक खरगोश के पीछे एक कुत्ता भाग रहा था, ठीक है, एक खरगोश के पीछे एक कुत्ता भाग रहा था, लेकिन वो कुत्ता अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, खरगोश भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था भागने के लिए कि उससे अपनी जान बचाने के लिए। तो जब कुत्ता उसको नहीं पकड़ पाया, खरगोश अपने दिल में चला गया, तो कुत्ता एक ही बार बोलता है कि भाई मेरे को एक बात बता कि मैं पूरी ताकत लगा रहा था तुझे पकड़ने के लिए, लेकिन मैं फिर भी तेरे को नहीं पकड़ पाया, लेकिन ऐसा तेरे पास में क्या था जो मैं तेरे को नहीं पकड़ पाया, मैं ताकत में भी तुझसे ज्यादा हूँ, तुझसे बड़ा भी हूँ, और लेकिन तू मेरे सामने बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को नहीं पकड़ पाया। तो उसने एक ही बात कहा था कि तुम सिर्फ ओनली अपने खाने के लिए भाज रहे थे, अपना पेट भरने के लिए भाज रहे थे, और मैं अपनी जिंदगी के लिए भाज रहा था, फर्क सिर्फ इतना था। तो मेरे दोस्त इस मीटिंग में आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बस कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए भागते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागते हैं। तो समझ जाइए आप लोगों को अपनी जिंदगी अपनी लाइफ को बचाने के लिए भागना है। जो व्यक्ति अपनी लाइफ को बचाने के लिए भागेगा वो 1 साल के अंदर 1 करोड़ तो क्या 10 करोड़ भी कमा जाएगा, और जो व्यक्ति सिर्फ ओनली अपने फूड के लिए भागेगा वो सिर्फ ओनली लाखों में सिमट के रह जाएगा। तो थैंक यू सो मच मुझे इतने बड़े मंच पे इन्वाइट कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल सही बात सही है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम सभी लोग सिर्फ खाने के लिए भागेंगे तो गारंटी कहते हैं जहां है दोस्त दाल रोटी तो चलेगा गारंटी, लेकिन लाइफ के लिए अगर भागते हैं तो दोस्त इकलौता प्लेटफॉर्म आपका मोस्ट वेलकम करता है, और आपकी जो भी लाइफ पे सीआर वो बिल्कुल बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स मीटिंग को हम यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल 2 बजे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, गुड लक, गुड बाय।